वेलकम बैक टू अनदर वीडियो और इस वीडियो में मैं एक्चुअली आपको जितने भी एसेसरीज हैं मैंने जो मेरे टाटा सफारी में लगाए हैं उनके बारे में बताने वाला हूँ क्योंकि अब ऑलमोस्ट मैंने गाड़ी को टेन थाउजेंड किलोमीटर्स चला दिया है ठीक है तो ये काफ़ी रिलायबल प्रोडक्ट्स हो चुके हैं मेरे लिए अब क्योंकि टेन थाउजेंड किलोमीटर्स तीन महीने और अभी तक इन इन एसेसरीज का कोई मुझे इशू नहीं आया है तो मैं आपको धीरे धीरे करके बताता हूँ मैंने क्या क्या एसेसरीज इस गाड़ी में इंस्टॉल करे हैं और क्या क्या है और कोई चीज़ अगर मुझे लगती है कि काम की नहीं है तो भी मैं आपको बता देता हूँ कि वो काम की नहीं है ठीक है मैं गाड़ी के अंदर से शुरू करता हूँ और सबसे पहले जैसे आप मेरे गाड़ी के अंदर आप ड्राइविंग सीट में बैठोगे तो सबसे पहले आपको दिखेंगे कि ये स्टीयरिंग ग्रिप बोल दो या रैप बोल दो ये मैंने लगा रखा है तो ये एक्चुअली रेड कलर का है प्लस जो गाड़ी का इंटीरियर है वो रेड डार्क में है मतलब तो रेड इंटीरियर्स है तो इसमें ये मैच करता है और ये एस्थेटिकली काफ़ी प्लीजिंग है तो मैंने इसलिए लगाया था दूसरा इसका एक और है कि यार ये लॉन्ग ड्राइव में ना बहुत सॉलिड ग्रिप देता है तो आपके हाथों में पसीना वगैरह नहीं आता तो ये काफ़ी सही एसेसरी है इसके अलावा देखो मैंने एसेसरीज के नाम पर मैंने एक डैश कैम लगाया है ठीक है अब आप डैश कैम आप देख सकते हो कि अब इसमें मैंने मैंने इसको नॉर्मली ऐसे ही सामने से लगा दिया है क्योंकि इसका एक रीज़न है क्योंकि जो यहाँ पे जो मतलब यू एस बी टाइप आ, ए वाला जो पोर्ट है ना इसके अंदर गाड़ी बंद होने के बाद भी मतलब करंट जाता है तो इस वजह से ये डैश कैम ऑन रह जाता है तो ये आपकी गाड़ी का काफी चार्ज यूज कर सकता है तो इसलिए मैंने इसको यहाँ से कनेक्ट नहीं करा और यहाँ पे जो अपने सेंट्रल कंसोल के अंदर जो जगह है इसके अंदर मैंने कनेक्शन दे रखा है इसका ठीक है अब आगे ये हो गए दो एसेसरीज अब मैं आता हूँ तीसरे एसेसरीज पे अब तीसरे एसेसरी है जो थर्ड एक्सेसरी है वो है गाड़ी के मैट्स तो ये सेवन डी मैट्स है ये मैंने बाहर से नहीं खरीदे ये मुझे शोरूम वालों ने कॉम्प्लीमेंट्री दिया था तो मैंने ये बाहर से नहीं खरीदे बाकी आ, मैंने जो मेरी इको स्पोर्ट और हेरियर के लिए जो लिए थे वो मैंने खरीदे उनका लिंक मैं चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा अब मैं बताता हूँ अब आप ये देखिए यहाँ पर मैंने एक कप प्लेट लगा रखी है तो एक्चुअली इस इस कप प्लेट में आप ध्यान से देखेंगे तो लिखा हुआ है लैंड रोवर पेडिग्री ओमेगा आर्ट प्लेटफॉर्म लिखा हुआ है तो ये मैंने एक्चुअली पहले मैं डीलरशिप से नहीं ले लिया था मैंने और इसके बाद मैंने ये एक्चुअली बाहर काफ़ी जगह ढूंढा बट मुझे मिला नहीं था तो फिर मैंने ये डीलरशिप से ही फ़िट करवा लिया तो इसका प्राइस मुझे अराउंड आई थिंक टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड ऐसा कुछ आया था चारों का मिला के और अब ये एलुमिनियम का है इसके अलावा आप यहाँ ध्यान से देखें तो मैंने यहाँ पे ना पूरा ये टेप लगा रखी है ये कार्बन फाइम फाइबर फिनिश जैसा लगता है और काफ़ी सही लगता है और ये काफ़ी सॉलिड है तो इसमें एटलीस्ट ये है कि जब आप उतरेंगे या चढ़ेंगे तो स्क्रैचेस नहीं आएंगे ये सिमिलरली मैंने चारों डोर्स पर लगा रखा है और ख़ासकर बूट में क्योंकि मेरे पास एक डॉग है तो जब भी वो चढ़ता है बूट से अंदर तो स्क्रैचेस के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं तो मैंने वहाँ पर और भी लगा रखा है मैं आपको दिखाऊँगा जब मैं आपको वो दिखाऊँगा ये बाहर की तरफ आ जाते हैं तो आप देख सकते हो इस गाड़ी में मैंने कहीं पर भी क्रोम का इस्तेमाल नहीं करा है अब देखो क्योंकि एक तो क्या रेड डार्क एडिशन थी आप देखना अभी थोड़ी सी ऑफ रोड सी हुई है तो काफ़ी मिट्टी हो रही है गाड़ी की बट अगर आप देखोगे तो इस गाड़ी में मैंने कहीं पे भी क्रोम का इस्तेमाल नहीं करा है ठीक है तो मैंने इसलिए जो मैंने ये लिए थे ये मेरे को वहाँ पे भी मिल रहे थे मतलब डीलरशिप पे भी मिल रहे थे बट वो उसमें क्या है टाटा का जो ऑफिशियल ओरिजिनल आता है उसमें यहाँ क्रोम आता ही आता है और मुझे क्रोम गाड़ी में चाहिए नहीं था क्योंकि यार आर एवरीथिंग इन दिस कार इज़ ब्लैक आउट डार्क एडिशन है तो इसलिए मैंने वो मैंने कहा वो कॉम्प्लीमेंट नहीं करेगा लुक को तो इसलिए मैंने इसके अंदर जो ये लिया ना ये मैंने पूरा ब्लैक आउट वाले लिए हैं इनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और ये काफ़ी आई थिंक सॉलिड है बट एक चीज़ मैं आपको बता दूं इन जो इनिशियली इनमें जो टेप्स आए थे थे है ना वो उनका जो मतलब चिपकने का वो था वो इतना सही नहीं था तो मैंने अलग से इसके लिए थ्री एम के टेप्स लिए थे और फिर इसको चिपकाया था उसके बाद से ये बिल्कुल सॉलिड है क्योंकि इनिशियली जो इसमें जो खुद से आते हैं ना उसके अंदर ये इतने सही नहीं थे वो जब चिपके थे तो वो निकल रहे थे और वो सब चीज़ें थी तो बट मैंने इसको थ्री के टेप से खुद से लगाया तो ये काफ़ी एक अच्छा एसेसरी हो सकता है जैसा मैं आपको बताया था कि मैंने ये बूट पे भी लगाया आप यहाँ पे देखिए ये पूरे बूट पे मैंने यहाँ पे ये पूरी टेप लगा रखी है ये और ये ये क्या गंदी भी नहीं लगती प्लस ये प्लास्टिक पार्ट था क्योंकि हम मेरे पास डॉग है जैसे मैंने आपको बताया तो जब भी वो चढ़ता है तो ये स्क्रैच होने के चांस रहते हैं तो अब वो नहीं उसके ने देखो ये ले रखे थे इसको अपन ये डॉटेड uh, वाले जो ये है सनशेड बोल सकते हैं तो सनशेड ले रखा था मैंने और इनको मैं एक्चुअली आखिरी रो के लिए लगाता था क्योंकि आखिरी रो में uh, थॉर बैठता है यूजली तो उसको लाइट ज़्यादा नहीं पसंद तो इस चक्कर में तो ये लगाते हैं पास है ये तो ये बेसिकली ट्वेल्व वोल्ट सॉकेट से कनेक्ट हो जाता है ये एक चार्जर है जिससे इससे आप अपने गाड़ी में लैपटॉप वगैरह चार्ज कर सकते हो ये मेरे को काफ़ी हैंडी आ जाता है खासकर ट्रैवलिंग के टाइम पे तो और ये लैपटॉप वगैरह कनेक्ट करने के लिए तो ये मैं हमेशा अपनी गाड़ी में रखता हूँ तो ये एक बहुत ही रिकमेंडेड एसेसरी है मेरे हिसाब से जो हर गाड़ी में हो, होनी चाहिए अब वैसे काफ़ी लोग मुझसे पूछ रहे थे कि यार डैश कैम के अंदर आपने फिटिंग कैसे करा तो मैं आपको बता दूँ कि डैश कैम के अंदर ना दो तरह से फिटिंग हो सकती थी एक होता कि मैं इसको पूरा वायर को ऊपर से लेके जाता और फिर यहाँ से नी, नीचे से निकालता और यहां से लेके आके आता बट उसके अंदर भी एक प्रॉब्लम है देखो यहां से कनेक्शन मैंने जैसे आपको बताया यहां से ले नहीं सकते क्योंकि ये गाड़ी बंद करने के बाद भी यहाँ पे ये करंट देता रहता है और प्लस यहाँ पे जाली है क्योंकि अगर आप यहां कुछ भी सामान रखे तो गिर नहीं गिरेगा नहीं तो यहां जाली है तो यहां से आप ले नहीं सकते आपको फिर यहां से लेके यहां तक लेके आना पड़ेगा तो इसलिए मैंने कहा कर मैंने कहा सामने से सिंपल नॉर्मल रहेगा यहीं से एक सिर्फ इतना सा तार दिखता है बाकी तो ये पूरा इसमें ही आ गया है और इसमें भी मैंने जैसे मैंने वो टेप कहा ये टेप यार काफ़ी यूज़फुल है ये कहाँ जहां जहां पे आपको लगता है ना वहां वहां पे आप ये टेप लगा सकते हैं काफ़ी यूज़फुल है मेरे हिसाब से और ये एक्चुअली ना ये मतलब इस गाड़ी के लुक के साथ जाती भी है क्योंकि ये आप ये जैसे ये देख सकते हैं वो सेम डैशबोर्ड का फील में यही दिखता है ये अलग से दिख नहीं रहा ज़्यादा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो मैं आपको बताना भूल ही गया इस गाड़ी में जो क्वेश्चन हैं आप देख सकते हो तो यार ये क्वेश्चन मैं कह रहा हूँ मतलब बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड मतलब फुल फुली मैं रिकमेंड करता हूँ इन क्वेश्चन को ये ज़्यादा एक्सपेंसिव साइड पे भी नहीं थे मतलब जो नॉर्मली जो ये एक्चुअली मेमोरी फोम वाले हैं मेमोरी फोम में सबसे आई थिंक ज्यादा एक्सपेंसिव साइड पे नहीं है ये बट ये मैंने टेन थाउजेंड किलोमीटर्स में गाड़ी चला चुका हूँ और मैंने ये पूरे टेन थाउजेंड किलोमीटर्स में आई थिंक मोस्ट ऑफ मतलब टेन थाउजेंड किलोमीटर मैं ऑलमोस्ट यूज़ किया है। और खासकर ये जो कोची वाली रोड ट्रिप थी इसमें यूज़ किया है और इनिशियली मुझे लगा था ठीक है काफ़ी सही है सॉफ्ट है और मतलब अच्छा कम लगता है बट यार ये जब आप लॉन्ग ट्रिप्स में ये आपके पास रहता है ना आपको इतनी सी थकावट नहीं होती इवन आम, मैम मोम वो सरप्राइज कि मैम मोम बोली यार ये इनिशियली उनको लगा यार ठीक है एसेसरी है क्योंकि हमने जब बिकॉज पोर के टाइम हमने क्वेश्चन लिए थे वो मेमोरी फॉर्म नहीं थे बट वो देवर लाइक ओके ओके बट ये वाले जो है ये हमने लिए और एंड आफ्टर अ वाइल ना मतलब आफ्टर द रोड ट्रिप शू वॉज लाइक ये क्वेश्चन बहुत कम्फर्टेबल है इनमें इनकी वजह से मैं आराम से पूरा जर्नी कर पाई हूँ और ये सब चीज तो ये एक बहुत ही रिकमेंडेड नेसेसरी है मेरी तरफ से अन अदर इंपॉर्टेंट मड फ्लैप्स यार मड फ्लैप्स बहुत जरूरी है ये भी मेरे को डीलरशिप नहीं दे दिया था एक्चुअली बट ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ना मड फ्लैप्स अगर नहीं होंगे ना तो आपकी पूरी गाड़ी पे छीटे उड़ जाते हैं मतलब आप हल्का सा भी कीचड़ में जाएंगे ख़ासकर अभी तो बारिश का मौसम भी है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है मड फ्लैप्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एक एसेसरी और मैं बता दूं आपको डस्टबिन यार अपन लोग गाड़ी में काफ़ी ट्रैवल करते हैं खाना पीना हो जाता है टिश्यूज वगैरह फेंकने होते हैं तो वो सब आ, है यहाँ पर मैंने तो एक्चुअली इसको जो डैश कैम का वायर है वो रखने के लिए यूज कर लिया है बट मैंने दो लिया था सेट ऑफ दो लिया था तो दूसरा आखिरी रो में रहता है तो वो काफ़ी कन्वीनियंट है अगर आपको डस्टबिन डालना मतलब सामान वगैरह डाचर डालना तो ये बहुत कन्वीनियंट रहता है इस इसके अलावा मैं आपको बता दूँ मैंने और भी काफी सारे एसेसरीज लिए थे जो कि एक्चुअली गाड़ी को क्लीन करने के लिए है तो आ, वो सब मैं अभी आपको बता नहीं रहा बट मैं आपको उनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और इन सारी चीज़ों का मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा अगर आपको कुछ भी लगे कि आपके काम के आ सकता काम आ सकता है या आपको आपकी गाड़ी का लुक थोड़ा सा सिमिलर चाहिए बिल्कुल डार्क आउट मतलब पूरी ब्लैक बिल्कुल क्रोम नहीं चाहिए तो वो चीज़ है और इसके अलावा देखो यार मैंने देखा कि आ, आ, बाकी डीलरशिप जैसे टाटा में तो इतना नहीं होता है एसेसरीज़ के लिए बाकी जो डीलरशिप है जैसे महिंद्रा वगैरह में तो काफ़ी फोर्स करते हैं आपको एसेसरीज डीलरशिप से फिट करवाने के लिए तो ये मुझे एक एक्सपीरियंस अच्छा लगा कि टाटा में इतना नहीं किया गया था टाटा में ज़रूर बोला गया था कि आप सर ये लगवा सकते हैं क्या कहते हैं अपना फुट रेस वगैरह और फुट रेस वगैरह मैं ऑनेस्टली ना यार हेर हीरो सफारी में रिक्वायर्ड नहीं है क्योंकि गाड़ी का डिज़ाइन इस तरह से है कि गाड़ी की सीट्स बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है टू मतलब बैठने के लिए स्कॉर्पियो में मैं कहूँगा क्योंकि वो कंपनी से ही दे रहे हैं इस चक्कर में क्योंकि उसका बुक बहुत ऊँची है उस हिसाब से पर ये ये गाड़ी बहुत मतलब वेल well मेड है और उस तरह से है तो एक ज्यादा एक सब बहुत ज़्यादा ऊँचे आपको बैठना नहीं पड़ता तो आप फुट रेस्ट ऑल आर नॉट रिक्वायर्ड बट बाकी एसेसरीज आई थिंक जो ये सर ये जो है इवन जो विंडो वाइजर्स वगैरह है ये मैंने लगा दिए और इनिशियली मेरे को ऐसा लगा नहीं था कि इतना कई काम का रहेगा बट आई थिंक ओवर टाइम जो जो टेन थाउजेंड किलोमीटर्स है मुझे लग रहा है कि यार काफ़ी कन्वीनियंट है हल्का सा कांच आप खोल सकते हो हाईवे जब बारिश आ रही है और मतलब हवा को काटता हुआ चलता है ये तो ये काफ़ी सही लगता है तो बस यार ये इस वीडियो के लिए मैं बस थोड़े से एसेसरीज़ के बारे में बता देता था खासकर अभी अमेजोन की सेल चल रही है तो अगर आप लोग अभी ये जो एसेसरीज़ है और ज़्यादा डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रहे होंगे तो अगर आप लोगों को इंटरेस्ट है तो आप ले सकते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन पर है तो बस आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें अगर कुछ भी और कुछ आपको लगे कि वो एसेसरी मैं मिस कर गया हूँ और मैं यूज़ कर रहा हूँ या कोई एसेसरी आपको लेनी है और आप चाहें कि मैं एक बार मैं चेक करके बताऊँ आपको कि क्या, क्या क्या है वो उसका कैसा रिक्वायरमेंट है आपको कि नहीं है तो आप कमेंट कर सकते हैं तो चलो ऐसे ही मिलते हैं एक और किसी एक ऐसी एक वीडियो में बाय बाय गाइस